हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंकित रामी और मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज़ 10 के अंदर ऑटोमेटिक जो अपडेट होता है उसको कैसे बंद करते हैं। पहले तो आपको कीबोर्ड में से कंट्रोल अल्टर और डिलीट की को प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल अल्टर डिलीट की को प्रेस करोगे, आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उसके अंदर बाद में आपको टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करोगे, आपको एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी, वहाँ पे आपको सर्विसेज में जाना है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट की सर्विस का नाम आपको पता है तो आप उस नाम से उसको स्टॉप कर सकते हो, बट अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस का नाम पता नहीं है तो आप दो एक और तरीके से भी उसको सर्च कर सकते हो। सर्च बार में जाके आपको सर्विसेज लिखना है। जैसे ही आप सर्विसेज लिख के एंटर दोगे, आपका कंप्यूटर आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा, उसमें से विंडोज़ अपडेट एंड विंडोज़ मीडिया अपडेट दो सर्विस को फाइंड करना है। जैसे ही आप विंडोज़ अपडेट और विंडोज़ मीडिया अपडेट को सिलेक्ट करोगे, उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विंडोज़ अपडेट पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। यहाँ पे जो ऑटोमेटिक सेटिंग किया हुआ है, जो ड्रॉप डाउन के अंदर है, ऊपर आप उसकी सर्विस का नाम भी देख सकते हो, बट मुझे उसकी सर्विस का नाम नहीं पता है तो मैं इस तरीके से भी उसको डिसेबल कर सकता हूँ। डिसेबल के बाद मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा, फिर अप्लाई एंड ओके। उसके बाद उसके नीचे एक और सर्विस है, उसको भी मैं प्रॉपर्टी में जाके डिसेबल कर दूंगा, बट वो ऑलरेडी जो मैन पेरेंट सर्विस थी उसकी वजह से वो डिसेबल हो चुकी है। और यहाँ पे मैं उसको डिसेबल पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कंट्रोल पैनल के रिलेटेड एरर का मैसेज देगा, एक्सेस डिनाइड लाइक दिस। तो दोस्तों, ये था एक ट्रिक जिसके थ्रू आप कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसकी अपडेट को बंद कर सकते हो, फिर वो विंडोज़ 7 हो, 8 हो या 10 हो। मेरा जो विंडोज़ है वो अभी लेटेस्ट वर्जन अपडेट है, इसलिए यहाँ पे सेटिंग के अंदर अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर आप जाओगे, उसके बाद प्ले, मतलब अभी आप यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हो और एडवांस सिस्टम सेटिंग से भी आप विंडोज़ अपडेट को बंद कर सकते हो। अगर आपका विंडोज़ पुराना है तो आपको ये ऑप्शन शायद नहीं दिखेंगे, बट आपका वर्जन अगर अपग्रेड है तो आपको दिखेगा। दोस्तों, ये था हाउ टू स्टॉप द अपडेट इन विंडोज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।